हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फेयर व्लॉग चैनल। सो गाइस, आज मैंने वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट कर मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी हूँ। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना। एक्चुअली बाद में वॉइस इसीलिए ले रही हूँ ना, क्योंकि जब मैंने वीडियो को सेव की तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, वॉइस सेव ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा ठीक है मैं एक्स्ट्रा में इसकी जो वॉइस है वो डाल देती हूँ। तो ये व्लॉग जो है मैं आपको बता दूँ कि होने वाला है मुंबई टूर पे, मतलब मैं जा रही हूँ मुंबई। मेरा कुछ प्लान था, जैसे मैं सोची थी कि आज जाके मैं फुल व्लॉग बनाऊँगी रानी बाग पे, क्योंकि न्यू उसमें कुछ एनिमल्स आए हैं और बच्चों वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है वो सब व्लॉग्स में देखना। और अगर आप भी चाहते हो घूमना वगैरह तो आप जा सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने पर्स ले ली हूँ, एक कैरी बैग एक्स्ट्रा ले ली हूँ जिसमें मैंने आईफोन के पावर बैंक चार्जिंग वगैरह सब कुछ जो है कलेक्ट करके रख ली हूँ। अभी बस रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको मैं चौपाटी वगैरह जाऊँगी घुमाऊँगी। अभी सबसे पहले बैंक का काम करने भी जाना है, बैंक में कुछ मनी है वो डिपॉजिट करना है मुझे, तो सबसे पहले बैंक जाते हो। और बैंक का भी इतना इशू होने लग गया ना, हर जगह पे चार्जेस, मतलब अब ना पैसा विड्रॉ करो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पैसा डिपॉजिट करो तो भी हमें चार्जेस पे करना है, तो इतना इशू हो रहा है ना। तो सबसे पहले बैंक का काम करेंगे, उसके बाद चलेंगे मुंबई। रानीबाग का जो व्लॉग बनाऊंगी ना वो एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, तो वो व्लॉग आप रानीबाग का इसके बाद या इससे पहले कहीं पर भी अपलोड करूंगी तो चेकआउट कर लेना। वैसे मैं रेडी हो चुकी हूँ और धूप निकली हुई है, क्लाइमेट तो अच्छा है बट गर्मी का मौसम ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत हो रही है। तो सबसे पहले फटफट निकलते हैं, अपना पहला काम करते हैं बैंक का, उसके बाद मुंबई चलते हैं। जो भी करूंगी, जो भी इंजॉय करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। मुंबई का गर्मा गर्म वड़ा पाव खाएंगे, सबसे पहले नाश्ता करेंगे और तीखी चटनी डालना है एक में अच्छी। मेरा बैंक वगैरह का काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, एकदम मस्त थी। अब खाएंगे मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव, क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी। तीखी चटनी चाहिए थी, मीठी नहीं, क्योंकि बाहर जब भी निकलो ना, मैंने सुबह में ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ क्यों, तो जब भी बाहर निकलो ना तो ऐसा दिल होता है कि बस गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल जाए और खा लो, और बहुत अच्छा गर्मा गर्म है, एकदम परफेक्ट नाश्ता है। तो हम लोग आए थे यहाँ पर जू में, बट आज जो है वो बंद है, वेनसडे बंद होता है और हमें पता नहीं था। और ये सब टिकट वगैरह के प्राइजेज वगैरह है। अब चलते हैं कहीं और। भी आ गई हूँ जीशान के लिए जूते लेने के लिए, यहाँ पे अच्छा अच्छा कलेक्शन है। मेरे को एक ग्रे वाला पसंद आया है और बहुत सारे है, ये ग्रे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है जीशान के ऊपर, सारे ड्रेसेस पे भी अच्छा लगेगा काफ़ी। साढ़े 300 पर ये डबल एक्सल को आराम से आ जाएगा ना। फाइनली हम लोग आ गए हैं मनीष मार्केट मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए, जो मेरा इतना अच्छा वाला मोबाइल जीशान ने ख़राब कर दिया था, और ना आज पूरा दिन वापस से ख़राब हो गया। उस दिन मैं गई थी सेवन वंडर पार्क, वो भी मुझे बंद मिला, कुछ काम चालू था, और आज मैं देखी नहीं, आज मैं रानीबाग आई और वेनसडे को रानीबाग बंद रहता है। तो आप भी अगर ना कहीं पे भी विजिट करो ना घूमने के लिए, जैसे रानीबाग हो गया या कोई भी पार्क हो गया, तो पहले एक बार गूगल में सर्च कर लो। मेरा तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया सच में, ऊपर से ये सब फटके अलग खर्चे, और अब मोबाइल बनवा लेते हैं। ये मनीष मार्केट है, यहाँ पे ना मोबाइल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, मतलब कम प्राइस में, तो बस मोबाइल बनवा के चलते हैं। क्रिसमस के लिए आया है पूरा, वाव, ये है पूरे बैग्स की शॉप। हाँ हाँ, ये नहीं नहीं इस साइड वाला, ये ग्रे, हाँ ये क्या प्राइस है इसका? 500। ये ऑरेंज वाला थोड़ा ठीक है, और वो ब्राउन वाला दिखाइए कैसा है। हाँ, 500 वाला, ये काफ़ी बड़ा है। नहीं, ये येलो में कलर्स है क्या? दिखाइए ना कौन कौन से कलर है। ग्रे कलर का माल तुझे किधर लगाया? क्या माल? हाँ, नीचे लगा इस साइड में,
सबके अलग अलग प्राइस है। और मैं जोहान के लिए यहाँ पे शूज देख रही हूँ, कोई क्यूट सा, वैसे तो ये बहुत अच्छा है, क्यूट सा एकदम। और देखते कोई डिजाइन अच्छी लगे। ये देख लो शाम को चौपाटी का माहौल, और इतना ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे खिलौने मिलेंगे बच्चों। और ये है फूड कोर्ट जहाँ पे हम खाएंगे आज चाउमीन और पाव भाजी। हम लोग ना यहाँ पे मस्त शाम को एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत वक्त हो गया चौपाटी आए हुए, और मेरा बहुत मन हो रहा था चॉकलेट गोला खाने का। ये मुंबई चौपाटी है जहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी गोले मिलते हैं, और मतलब बोलते ना सारी चीज़ें बहुत टेस्टी मिलती है। तो बस अभी चलते हैं अंदर फूड कोर्ट में। वैसे क्लाइमेट देख लो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मस्त हुआ है। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी बट मैं नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं। तो अब मैं आ गई चौपाटी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मुझे खाना था चीज़ पाव भाजी और चॉकलेट गोरा, जो बोलते हैं ना चौपाटी का बहुत फेमस होता है। तो बहुत थोड़ी बहुत शॉपिंग की, रानी बाग भी नहीं देखना मिला उस दिन। सेवन वंडर पार्क गई, रिटर्न आई बनता, फिर आज रानी बाग के लिए आई, रानी बाग भी आज बनता। अगर आप भी आ रहे हो ध्यान रखो, वेनसडे के दिन रानी बाग बंद होता है, वरना कहीं दूर दूर से आओगे फिर आप धक्का खा के जाओगे। मुझे ये सब चीज़ें ना पहले ही देख लेनी चाहिए थी। इसके लिए अब मैं कहीं पर भी जाऊंगी ना पहले सारी चीज़ें देख लूंगी कि ओपन है या नहीं है, वरना इतना दूर दूर आके ना फिर टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले खाएंगे हम लोग तीखी तीखी। हाँ सबसे पहले सिर्फ तीखी देना, अच्छा मीडियम दे दो पहले, ठीक है। हाँ ये सिर्फ तीखा है। हम आ गए फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए, और सबसे पहले हम मंगाए तवा पुलाव, और अच्छा है, टेस्टी है। पानी पूरी मैंने ट्राई की, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, खास नहीं लगी, और ये अच्छा है खाने लायक है। ये है अंदर का सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप बैठ के मस्त इंजॉय कर सकते हैं सारे फूड्स को। हम खा रहे वाले स्टॉल से, और यहाँ का अभी तक हम लोग ने ना पुलाव ट्राई किया, अच्छा है। अभी हमारा चीज़ पाव भाजी आ रहा है, तो हम लोग ने मंगा लिए है चीज़ पाव भाजी, और साथ में ये ग्रिल वाला पाव। ये ना ग्रिल वाले पाव के साथ चीज़ पाव भाजी ना बहुत टेस्टी लगती है। ये आप पाव के उनको बोलोगे ना आप पाव को ग्रिल कर दो, तो ये ग्रिल करके देखेंगे कितना टेस्टी लग रहा है। तो बस इंजॉय करते अभी खा। देख रहे भाई एक मिनट बता रही, ये पूरा गोले का डिटेल से, ये चॉकलेट में, ये सब चॉकलेट में, ब्राउनी शेक, ओरियो शेक, चॉकलेट, ये सब फेवरेट है। खाने वाले मस्त वाला यहाँ का, हमेशा जो हम खाते हैं चॉकलेट गोला, जो बहुत टेस्टी होता है, और बहुत सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे लगी हुई ऊपर भी। ये आ गया चौपाटी का मस्त चॉकलेट गोला, जो बहुत ही टेस्टी होता है। कभी भी चौपाटी आना ना ये वाला गोला ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी मस्त। यहाँ पर हम लोग ने पाव भाजी खाई, चीज़ पाव भाजी, बड़ी टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया खा के, एकदम बोलते ना एक मन होता है बहुत खाने का वो। फिर पुलाव भी अच्छा था। अब यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ चॉकलेट गोला, जो यहाँ का बहुत ही फेमस होता है, और ठंडी का मौसम है ना तो और ठंडा खाने बहुत मज़ा आती है। बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार है। बस ये खा पी के अब निकलते हैं घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है।